Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to deal with another chapter, that is water pollution of class 12th standard. तो आज हम देखेंगे कि water pollution क्या होता है. इस unit में हमें different aspects discuss करने हैं water pollution के बारे में. तो आज जो पहला एस्पेक्ट हम इसमें देखेंगे, दैट इज इसमें हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट्स. सो फार एज द वाटर इज कंसर्नड, वी आर एवरीबडी वेल अवेयर, वी आर एवरीबडी फैमिलियर विद द फैक्ट दैट वाटर it is an important and abundant ingredient of the living world or the living organisms, because bulk of the bodies of the living organisms is constituted by the water. About 60 to 95% of the living organisms are composed or made up of the water. ठीक है ना. अब हम देखेंगे कि जो ये वाटर है, क्या ये मतलब आज के डेट में वेदर इट इज फिट फॉर यूज, वेदर इट इज फिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द एनिमल्स, फॉर द इक्वेटिक लाइफ, ये हम अगर हम देखेंगे तो आजकल के डेट में हम यही हमें देखने को मिलता है कि water has lost its quality. There has actually taken place the undesirable changes in its physical, chemical or the biological aspects. So far as this water is concerned, आपको पता है water जो है पूरा water इसका about 97% water जो है that is salt water or brackish water, जो कि कहाँ पे होता है, oceans, oceans में है. इसी तरह अगर हम देखेंगे about 2.5% is locked in ice caps and glaciers. ठीक है ना, glaciers. अगर हम बात करेंगे 0.5% is unavailable fresh water, unavailable fresh water that is not available. इस तरह अगर हम देखेंगे available या जो drinking के लिए हमें available, that is only 0.03% fresh water. लेकिन let us see how this water or what is this water pollution. देखो water pollution simply it refers the undesirable change in the physical, chemical or the biological aspects of the water due to addition of harmful substances, chemicals or factors which makes it harmful for the human beings, for the human health, for the other living organisms, for the aquatic biota. तो इसको हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे. जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, जब वाटर की जो क्वालिटी है दैट विल गेट डिक्रीज्ड, और वही हम ये कहेंगे कि जब अनडिजायरेबल चेंज मतलब हमें देखने को मिलेगी इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर, फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, तो इसको हम कहते हैं कि ये वाटर पोल्यूशन कहलाया जाता है. तो वाटर पोल्यूशन की जहां तक मतलब आज जहां तक वाटर पोल्यूशन का ताल्लुक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, तो वाटर पोल्यूशन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं. वेदर द पोल्यूटेंट्स आर मतलब गेटिंग एडिड बाय द नेचुरल एक्टिविटीज और ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, अकॉर्डिंगली वी कैन क्लासिफाई द वाटर पोल्यूशन इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेचुरल वाटर पोल्यूशन एंड मैन मेड वाटर पोल्यूशन. ठीक है ना. नेचुरल वाटर पोल्यूशन क्या होता है, विच इज एक्चुअली द दिस इज द पोल्यूशन
of the water due to the natural processes like volcanic eruptions, like landslides, like soil erosions, to like this decomposition of the organic matter, that is falling leaves, twigs, yeah, other ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है, फिर ये जब अपनी पैसेज जब ये मतलब फिर ऐड होते हैं हमारे वाटर बॉडीज में, इससे हमारा वाटर जो है वो पोल्यूट होता है, इससे इसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है. तो एंड दिस इज नेचर. एंड अनदर टाइप इज द एंथ्रोपोजेनिक वाटर पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज एक्चुअली कॉज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रियल दिस डिस्चार्ज और द म्यूनिसिपलिटी सेवेज और द डोमेस्टिक दीज डोमेस्टिक एफेलेंट्स या डोमेस्टिक दिस डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. तो ये सब के सब क्या करते हैं, दिस एक्चुअली दीज एक्टिविटीज आर कैरीड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन इन डे टू डे लाइफ. तो इस तरह इन एक्टिविटीज से बहुत सारा पोल्यूट ऐड होता है हमारी वाटर बॉडीज में, जिससे इसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है एंड और इट लॉसेस इट्स क्वालिटी. तो अब हम देखेंगे कि जहां तक मतलब इसकी पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. वाटर पोल्यूटेंट्स आर द सबस्टेंसेस, दे आर द फैक्टर्स, दे आर द केमिकल्स एक्चुअली विच व्हेन विच अपॉन देयर एडिशन दे लूज देयर क्वालिटीज, दे एक्चुअली विच अपॉन देयर एडिशन इन द वाटर बॉडीज दे एक्चुअली द वाटर बॉडीज lose its these water bodies lose their qualities or they actually get degraded in their qualities. ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं water pollutant. अगर हम एक classification ये भी है कि water pollutants को हम तीन categories में बांटते हैं. physical water pollutants, वो pollutants उसमें आते हैं heat होती है या जो इसमें oil spills होते हैं, ठीक है ना. तो एक और है जिसको हम कहते हैं chemical. केमिकल्स में कौन से आते हैं, इसमें फर्दर दो कैटेगरीज आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आते हैं लाइक पेस्टिसाइड्स, लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल. इस तरह इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, इसमें आते हैं हेवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, कॉपर, मर्करी एटसेट्रा. तो इस और इसमें आते हैं रेडियो एक्टिव रेजिड्यूज या रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस भी इसमें आएंगे. तो ये रही बात केमिकल. इसी तरह एक और मतलब कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में क्या आते हैं, पैथोजन जिसे डिजीज पैदा होती है, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, हेलमेंथियस आते हैं, प्रोटोजून्स आते हैं एटसेट्रा, जो कि जिसे वाटर की क्वालिटी चेंज होती है या दे एक्चुअली कॉज द सेवरल टाइप्स ऑफ द डिजीज़. ये रही बात एक कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द दीज पोल्यूटेंट्स. इस दूसरी मतलब जो क्लासिफिकेशन है जिसके बुनियाद पे हम इन वाटर पोल्यूटेंट्स को ऐड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर सोर्स. अकॉर्डिंगली देयर आर थ्री मैन सोर्सेज वेयर फ्रॉम दिस पोल्यूटेंट्स गेट्स एडेड. एक सोर्स एंड डोमेस्टिक, उसके हिसाब से थ्री टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स गेट एडेड इनटू द वाटर. सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा क्ले, सैंड, सिलिट. हाँ, इससे भी फिर मतलब सस्पेंडेड जो रहते हैं सॉलिड पार्टिकल, इससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है. इस तरह कोलाइडेड मटीरियल में क्या आएंगे, फीकल मैटर, पेपर एंड टेक्सटाइल फाइबर्स. इसी तरह अगर हम देखेंगे डिजॉल्वड, डिजॉल्वड मटेरियल में क्या आएंगे, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनियम सॉल्ट्स. इसी तरह सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स एटसेट्रा. ठीक है ना, ये डिजॉल्वड मटेरियल आते हैं. दिस इज रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सेवेज.
इस तरह एग्रीकल्चर है ना, डोमेस्टिक सेवेज आपको पता है ना, डोमेस्टिक सेवेज ये एक्चुअली दिस द वेस्ट वाटर दैट इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम आवर होम्स, फ्रॉम आवर हाउसेस एंड द अपार्टमेंट्स. इसी तरह जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, द वाटर विच इज गेटिंग एडेड इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, है ना, उसमें दो तरह के मतलब पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं इसके जरिए से, फर्टिलाइजर रेजिड्यूज एंड पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज. इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम दो कैटेगरीज में पहले बांटेंगे, केमिकल पोल्यूटेंट्स एंड फिजिकल पोल्यूटेंट्स. केमिकल पोल्यूटेंट्स को फर्दर हम करेंगे क्लास में दो, मतलब इसमें ऑर्गेनिक आते हैं और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में वही आएंगे जो ऊपर मैंने कहा कि इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आते हैं, मतलब इसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स. इसी तरह इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, हेवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, मर्करी, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है ना. इस तरह जो फिजिकल पोल्यूटेंट्स इसमें आते हैं, एक थर्मल दैट इज हीट, हीट. इसी तरह ऑयल स्पिल्स जो होते हैं ज्यूरिंग द माइनिंग ऑफ द ऑयल ऑफशोर ऑयल दीज ऑफशोर, ड्यूरिंग द माइनिंग ऑफ द ऑफशोर ऑयल वेल्स, उस दौरान ऑयल स्पिल्स होते हैं तो उससे भी हमारा वाटर पोल्यूट होता है, बिकॉज द मैरीन वाटर पोल्यूशन, जिसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे. तो ये रही बात रिगार्डिंग द टूडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज वाटर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना. इंशाल्लाह इन द कमिंग टॉपिक वी विल टेक द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, लाइक वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन एंड द कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन. टिल देन फी अमानिल्लाह.